तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात की थी। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे दो चार्जेस हैं और ये दो चार्जेस एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे गए हैं। तो ये सिस्टम के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये फॉर्मूला हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी दोस्तों, ये हमें पता है। ये होता है के क्यू वन ओके क्यू टू डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो अब हमने दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात की यहाँ पर। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये होता क्या है? तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखिए दोस्तों कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये पॉइंट के लिए डिफाइन किया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे डिफाइन है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड करना होगा उस पॉइंट पर कितना चार्ज है उससे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, पोटेंशियल एट पॉइंट बी कैसे निकालोगे? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उसको अगर दोस्तों इस चार्ज से आप डिवाइड करोगे तो आपको पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है दोस्तों, देखिए के दिस क्यू इंटू दिस क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर, ये पोटेंशियल एनर्जी है, डिवाइडेड बाय चार्ज। तो उस पॉइंट पर चार्ज कितना रखा गया, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्यू नॉट रखा गया। तो अगर दोस्तों ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट यहाँ पे कैंसिल होता है तो पोटेंशियल बी पॉइंट का पोटेंशियल आपको मिल जाएगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोस्तों वी लेटर से दिखाया जाता है, तो पोटेंशियल एट बी क्या होगा, वी बी। तो यहाँ पे दोस्तों बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पे के क्यू डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आर हो जाएगा। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या हुआ? तो यूनिट के लिए दोस्तों आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले के अंदर क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो एनर्जी हम जूल में मेजर करते हैं और चार्ज हम दोस्तों कूलम में मेजर करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट है वो जूल पर कूलम हुआ। ये जूल पर कूलम टर्म को ही दोस्तों वोल्ट बोला गया है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसका यूनिट क्या होगा, वो वोल्ट होगा, ओके। सो वन वोल्ट इज इक्वल टू यू कैन से वन जूल पर कूलम, ओके। एक जूल पर कूलम को ही हम एक वोल्ट बोलते हैं। तो अब हमने देखा दोस्तों कि बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इतनी है, इसका मतलब क्या है कि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। तो थोड़ा सा और सोचने के लिए दोस्तों इस डायग्राम को यहाँ पे वापस बनाता हूँ मैं। तो अब हमने देखा दोस्तों कि बी पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इतनी वैल्यू है, ठीक है। बी पॉइंट पे देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इतनी वैल्यू है, कितनी है, देखिए के क्यू डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर, ओके। तो अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर एक पॉइंट लेते हो, इस पॉइंट को आप सी नाम देते हो, और इस पॉइंट पर अगर आप ये चार्ज रखते हो, ठीक है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आर वन है, तो R1 पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कितनी होगी दोस्तों, वो होगी देखिए वी सी इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे के क्यू डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस होगा R1, ठीक है। और अगर दोस्तों आप देखें यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये R की जो वैल्यू है ये वैल्यू छोटी है, इसीलिए वी भी क्या होगा दोस्तों, ये वैल्यू बड़ी होगी। और यहाँ पे देखिए ये R1 जो है ये वैल्यू ज़्यादा है, तो ये वी सी क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इस पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है। अब थोड़ा सा और इस कंसेप्ट को एक्सटेंड करते हैं दोस्तों, और एक पॉइंट यहाँ पे इन्फिनिटी पे हम कंसीडर करते हैं। ये पॉइंट हम एज्यूम करते हैं डी पॉइंट, और ये डी पॉइंट जो है यहाँ से इन्फिनिटी पे है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का वो इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है, ठीक है, ओके। तो अगर इस पॉइंट पर ये चार्ज रखा जाए प्लस क्यू नॉट, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, पोटेंशियल एट पॉइंट डी या फिर पोटेंशियल एट इन्फिनिटी बोल सकते हो आप इसको। तो ये कितना होगा दोस्तों, ये होगा के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई क्या होगा दोस्तों, ये डिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी से उसको डिवाइड करना होगा। और किसी भी चीज़ को अगर आप इन्फिनिटी से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आने वाला है, जीरो। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू इतनी है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू इतनी है, ठीक है, ओके। तो अब हमने दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट देखा है। अब बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, उसका फॉर्मूला क्या है और उसको हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम
चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ऐसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, ये चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज ऐसे लिखेंगे। तो दोस्तों ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये आपको पता है वर्क डन होता है, ठीक है। तो इसको, इसका जो दूसरा फॉर्मूला है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी आप बोल सकते हो, ओके। और जैसे कि दोस्तों आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, तो इस चीज़ का भी जो यूनिट है वो क्या होगा, यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम। और जैसे कि हमें पता है जूल पर कूलम को ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ही है ना ये, तो इसका यूनिट जो होगा वो वोल्ट होगा। दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ये किसी दो पॉइंट के बीच में होगा, ठीक है। जैसे कि ये सी और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, इन्फिनिटी और बी के पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये सी और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आप कैसे लिखोगे, ये बी का पोटेंशियल ज़्यादा है, सी का पोटेंशियल यहाँ पे कम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी कैसे लिखोगे दोस्तों आप यहाँ पे, वी बी माइनस वी सी। और ये कैसे निकलेगा दोस्तों, इस वैल्यू में से आप इस वैल्यू को माइनस कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ये फॉर्मूला क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए दोस्तों आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ओके, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बोल सकते हो। और अब दोस्तों देखिए ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे ये होगा, देखिए दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट डी विच इज़ एट इन्फिनिटी, ये क्या होगा, आप कैसे लिखोगे दोस्तों इसको, वी बी माइनस ये वी डी बोल सकते हो या वी इन्फिनिटी बोल सकते हो इसको, ओके, इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे दोस्तों यहाँ पे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ओके। जैसे कि आपको पता है दोस्तों यहाँ पे देखिए वी इन्फिनिटी की वैल्यू जीरो होती है, तो यहाँ पे आप जीरो पुट कर सकते हो, ठीक है। तो अब दोस्तों आपको ये फॉर्मूले याद करने होंगे, उसके साथ साथ इसका मतलब भी समझने की कोशिश करिए। इसका मतलब क्या है, देखिए दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, बी और सी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब क्या है, किसी भी यूनिट चार्ज को आप यहाँ से यहाँ जब लेके आते हो तो जितना वर्क करते हो डिवाइडेड बाय दैट चार्ज इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ओके, ठीक है। और इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए इसका मतलब क्या है, किसी भी चार्ज को आप इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लेके आते हो, इन्फिनिटी से आप उस पॉइंट पर लेके आते हो, ठीक है, तो जितना आपको काम करना पड़ता है डिवाइडेड बाय दैट चार्ज इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। और क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है तो इस पोटेंशियल को आप दोस्तों एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी बोल सकते हो, ठीक है, ओके। अब अगर दोस्तों ये कुछ आपके समझ में नहीं आया तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं इसके ऊपर ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए पहला एग्जांपल पेज नंबर 190 के ऊपर, एग्जांपल नंबर 8.5, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों रीड करिए, इफ 120 जूल ऑफ वर्क इज डन, वर्क कितना हुआ है देखिए दोस्तों यहाँ पे, वर्क हुआ है 120 जूल इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 6 कूलम, और चार्ज कितना है दोस्तों यहाँ पे देखिए क्यू नॉट 6 कूलम है, ये प्लस है यहाँ पर, ओके। From a place where the potential is 10 volt to another place where the potential is V, find V, ठीक है। तो ये जो चार्ज है दोस्तों ये इस पॉइंट से इस पॉइंट लाया गया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ इसको खींचा गया है, ठीक है। और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है दोस्तों, इस पॉइंट को हम नाम देंगे यहाँ पे B, इस पॉइंट को हम नाम देंगे A। तो B पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 10 volt, और ए पॉइंट का पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है जो कि वी है, ये आपको फाइंड आउट करना है। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिए दोस्तों, ये जो चार्ज है इस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाने के लिए इतना वर्क हुआ है, तो आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। तो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है वी ए माइनस वी बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी ये कितना होगा, ये आपको पता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, ये कितना होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, ठीक है, ओके। दोस्तों यहाँ पे वर्क कितना हुआ है 120 जूल और चार्ज कितना ही है 6 कूलम है, और वी ए आपको पता करना है जो कि वी जितना है ये आपको पता करना है, माइनस वी बी कितना है दोस्तों यहाँ पे 10 वोल्ट दिया गया है। तो यहाँ से आराम से दोस्तों आप इस पॉइंट का पोटेंशियल पता कर सकते हो वी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वी माइनस 10 इज इक्वल टू दोस्तों देखिए यहाँ पे 6 टू 12 20 हो जाएगा ये, सो 20 ये 10 उधर जाने के बाद इसमें ऐड हो जाएगा, सो वी विल बी इक्वल टू व्हाट 20 ये हो जाएगा प्लस 10, सो वी विल बी इक्वल टू व्हाट 20 प्लस 10 कितना हुआ 30 वोल्ट, ओके। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 30 वोल्ट है। अब सॉल्व करते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8.4। सबसे पहले रीड करिए दोस्तों एग्जांपल क्या है, देखिए पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए
इन द स्पेस इज गिवन एज 4×10^5 वोल्ट। तो कोई भी स्पेस में एक पॉइंट है जिसका नाम ए है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको प्रोवाइड किया गया है दोस्तों कितना है, देखिए दोस्तों यहाँ पे 4×10^5 वोल्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकुलम। तो दोस्तों चार्ज कितना है, देखिए यहाँ पे 3 माइक्रोकुलम है, 3 माइक्रोकुलम मतलब क्या होगा, 3×10^-6 कूलम हो जाएगा। तो इस चार्ज को आगे पढ़िए, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, तो ये जो चार्ज है इस चार्ज को इन्फिनिटी, हम यहाँ पे इन्फिनिटी दिखाते हैं, ये इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक देखिए, इसको ए पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क लगेगा, ये वर्क आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है इन्फिनिटी पे दोस्तों पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, ये ज़ीरो होती है, ठीक है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी आपको पता है, यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ का पोटेंशियल कम है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे लिखेंगे, वी ए माइनस वी इन्फिनिटी लिखेंगे, ओके। तो वी ए माइनस वी इन्फिनिटी क्या होगा दोस्तों, वर्क डन पर यूनिट क्या होगा, चार्ज होगा, ठीक है। वर्क हमें पता करना है और चार्ज हमें पता है दोस्तों, सो इट विल बिकम व्हाट, वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज की वैल्यू कितनी है, 3×10^-6 है। वी ए कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 4×10^5 है, माइनस वी इन्फिनिटी जीरो है, तो यहाँ पे जीरो पुट करिए, तो यहाँ से दोस्तों वर्क की वैल्यू आपको आराम से मिल सकती है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, ये इस साइड में आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर वर्क विल बी इक्वल टू व्हाट, ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4×10^5×3×10^-6 हो जाएगा, 10^5×10^-6 ये हो जाएगा 10^-1, 4×3 हो जाएगा 12, ठीक है। सो 12×10^-1 एक डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1.2। सो वर्क विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1.2, और वर्क का यूनिट क्या होता है दोस्तों, जूल। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये जो चार्ज है इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए इतना वर्क करना होगा। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, डज दिस आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलॉन्ग विच द चार्ज इज ब्रॉट। तो ये चार्ज आपने इस पाथ के अलॉन्ग लाया है, या फिर इस पाथ के अलॉन्ग आपने चार्ज को लाया है, या फिर इस पाथ के अलॉन्ग लाया है, ठीक है, ये मैटर नहीं करता। क्यों मैटर नहीं करता, क्योंकि दोस्तों आपने जो वर्क किया है इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए, या आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट किया है, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा ही होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क करोगे वो वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, तो ये जो वैल्यू है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, तो आंसर यहाँ पे चेंज नहीं होगा। अगर आप ऐसे भी लेके आते हो तो इतना ही वर्क होगा, ऐसे लेके आते हो तो भी इतना ही वर्क होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये वीडियो खत्म होता है, इसका जो अगला पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।